डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम को श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार तथा पान सिंह साहिब की ओर से माफ़ी को लेकर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से बगावती सुर दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। वहीं इस संबंध में एसजीपीसी मेंबर सरदार अमरीक सिंह शाहपुर हलका डेरा बाबा नानक की ओर से एक ज्ञापन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के दफ्तर में एसजीपीसी प्रधान प्रोफेसर सरदार कृपाल सिंह बंडूगर को दिया गया। वहीं इस पर उस समय के प्रधान सरदार अवतार सिंह मक्कड तथा जत्थेदार की ओर से राम रहीम को माफी देने पर बुलाई गई एकत्रता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब डेरा मुखी को माफ़ी दी गई थी तब बहुत से पैसे खर्च किए गए थे सिर्फ उसकी माफ़ी को लेकर जो कि सिख कौम के पैसे थे। उन्होंने कहा कि उस समय के प्रधान सरदार अवतार सिंह मक्कड़ की ओर से 27 सितंबर 2015 को मीटिंग बुलाकर जत्थेदारों की पीठ भी थपथपाई गई थी। वहीं उन्होंने कहा कि जब कुछ मेंबर्स के साथ मिलकर इसका विरोध किया गया तो इनको जबरन वे माफ़ी वापस लेनी पड़ी थी। मैं जी अमरीक सिंह शाहपुर मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हलका डेरा बाबा नानक तो श्रोमणी कमेटी मैंबर मैं अज ये कहना चाहता मैं ब्रीफ ही दसा कि जब श्री अकाल तख्त साहब ने इस सिरसा साध को मुआफ़ी दे दी तो उस समय के प्रधान ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का विशेष इजलास सद्या इस मते की उन्हें पुष्टि की तो अकाल तख्त साहब की शलाघा की इस गल सही ठहराने लिए उन्होंने पंजाब दियां सारियां अखबारों में लंबे चौड़े इश्तहार दिते। असी सुनिया भी लगभग 95 लाख रुपया गुरु की गोलक विचों खर्च किया गया। नहीं जी वेखो जिम्मेवार तो पंच सिंह साहबान ने पर उन्होंने सरकारी इशारे से माफ़ीनामा दिता संगतों का विरोध होया फिर वापस लिया। हुण अगला सवाल उस झूठे साध की असलीयत हुण लोगों के सामने आ गई। भारत की न्यायपालिका ने दस दिता कि इतने कोई दोषी बख्शा नहीं जाता उन्होंने कुकर्मा करके 20 साल की बामुशक्कत सज़ा दे दी। हुण सवाल यह पैदा होंदा अकाल तख्त साहब ने वो माफ़ीनामा वापस ले लिया भारत की न्यायपालिका ने उन्होंने दोषी समझ के घिनौने केस में सज़ा दे दी पर जिहड़ा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का किया होया मता 27 सितंबर 2015 का है वो अजे तक बरकरार है फिर वो श्रोमणी कमेटी की इस वेल स्थिति की बनेगी। मैं प्रधान जी ने अपील की है कि प्रधान जी तुम हूँ दोबारा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का विशेष इजलास बुलाओ वो किया हुआ अपना मता वापस लो तो सिख जगत को खिमा जाचना करो। सो ये मैं मंग पत्र दे के आया उड़ीक करा कि प्रधान जी के बारे की फैसला लेंगे। वेखो कार्रवाई तो सिख जगत ने कर दिती श्रोमणी अकाली दल नूं सज़ा दे दिती इस गल दी। हुण हालात ये ने भी जिहड़े श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जिन्हों सिख पार्लीमेंट वजों सत्कार उन्हां नूं पार्लीमेंट कहा जांदा सी अज उहदे मैंबरां नूं लोक नफरत दी निगाह नाल वेखण लग पए। वेखो गल लोकां दी आ लोकां ते सारी संगत दा तुसीं वेख लो भजे असीं लोकां दी आवाज़ करके जिस दिन विरोध कीता सी तेजा समुद्री हाल च ते फिर उस विरोध करके ही ते वो माफ़ीनामा वापस लेना।